जबलपुर में कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा शहर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। विशेष नमाज के दौरान शहर, प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। विशेष नमाज अता करने के बाद कुर्बानियां की गईं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ ही समाज के लोगों ने अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों के घरों पर पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। दावतों का सिलसिला शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहेगा। रविवार को सुबह ईदगाह कला रानीताल में सुबह 10:30 बजे ईद उल जुहा की नमाज अता की गई। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने इस मौके पर तकरीर पेश की और नायब मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रजा बुरहानी ईद की नमाज अता कराई गई। इसके अलावा अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। कलेक्टर इलैया राजा के साथ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने देशवासियों को ईद की बधाई दी और शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाने की अपील की। मुबारकबाद देता हूँ, शहर के सारे वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ कि सब मिलजुल कर कौमी एकता बनाए रखें और मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे से कांधा कांधा मिलाकर मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप उसकी नाइतफाक़ी को दूर करें, आप उसमें मेलजोल को बढ़ाएं और कौमी एकता को कायम रखें। आज की ना ईद के त्यौहार के ना पूरे जिले वासियों का ना जिला प्रशासन की ओर से ना बधाई और शुभकामनाएँ, ईद मुबारक। और हम लोग रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगर पंचायत ने पे ना पूरा व्यवस्था किए हैं और काफ़ी रूरल एरियाज़ में ना ऑलरेडी ना नमाज ना हो चुका है। मतलब अभी हम लोग अभी रानीताल नमाज का जगह पे हैं, कड़े हैं, मतलब अभी यहाँ भी ना नमाज ना हुआ है। मतलब जिला प्रशासन की ओर से ना पूरी व्यवस्था ना की गई है। जी अभी आज ईद हुआ है और मैं मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ईद की। और आज जैसे कि आपको विदित है, अभी रानीताल ईदगाह में हम कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, पूरा अमला यहां पे है आप सबको बधाई देने के लिए। और ज़िले में अभी तक सब जगह शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है, सभी को त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शहर में अभी जैसा कि आपको विदित है, डाइवर्जन आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पर डाइवर्जन ट्रैफिक लगाया है, पेट्रोलिंग लगाई है, मोबाइल लगाई हैं और सफाई कर्मी भी हमारे सब तैनात हैं तो नगर निगम की मदद से कुल मिलाकर के अच्छे से त्यौहार संपादित किया जाएगा। संवेदनशील पॉइंट हमने लगाए हैं और साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर के साथ समन्वय स्थापित कर सफाई कर्मी भी थानों में हैं, कहीं भी कोई ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उसको तत्काल कार्रवाई की।